मानन, क्या आप सब जानते हैं कि ह्यूमन या फिर किसी भी और स्पेसीज की आईज में जो लाइट एंटर करती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड उस विजन को कॉज करती है? इनमें से दोनों में से कौन से फील्ड उस विजन को कॉज करती है? वेल ऑब्वियसली लाइट कंप्राइजेज ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की अगर एक या दूसरा ना हो तब ऑब्वियसली ये लाइट फॉर्म नहीं हो सकती है। बोथ नीड टू ऑसिलेट एट वॉट एवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे ये लाइट फॉर्म होती है एंड जो कि विजन को कॉज करती है। बट एज वी नो कि लाइट इज नथिंग बट जैसे ये फील्ड हमारे आईज में इंटर करती है तो ये हमारे आईज के अंदर के चार्जेस को ऑसिलेट करेगी जिसकी वजह से हमारी विजन कॉज होती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन होती है इसमें जो फोर्स होती है वॉट एवर चार्जेस आर इन देयर आईज रेटिनाज एंड वॉट एवर, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप देखोगे इसे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट किया जा सकता है बाई इक्वल्स बी सी। तो विथ वॉट एवर वेलोसिटी, यहाँ पे कोई भी जनरल वेलोसिटी होगी जिसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा एंड मैग्नेटिक फोर्स होगा यहाँ पे क्लियरली उनमें एक रिलेशन होता है एंड यहाँ पे एक फैक्टर सी आता है इन दिस रिलेशन जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इन जनरल मैनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर होती है इन जनरल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स होते हैं इन साइड आवर आईज वो ज़्यादा होते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट रे जो कि हमारी आई में एंटर करिए इन कंपेरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इन जनरल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होते हैं इन आवर विजन विथ वॉट एवर ऑब्जेक्ट्स वी आर सी कंपेयर्ड टू मैग्नेटिक फील्ड।